हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए हम गूगल शीट की बात कर रहे थे तो गूगल शीट पर हम देखेंगे रैंड और रैंड बिटवीन फार्मूला, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रैंड फार्मूले को देखते हैं। अगर आपके पास गूगल शीट नहीं है तो आप डायरेक्टली गूगल पर जाकर सर्च कीजिए गूगल शीट, वहाँ से आपको गूगल शीट का जो पहला लिंक मिलेगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ये ओपन हो जाएगा। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि अपने डेटा को हम ऑनलाइन कैसे सेव रख सकते हैं, यानी सर्वर पे कैसे रख सकते हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ये मर्ज का ऑप्शन है, इसको मैं मर्ज करा लेता हूँ। यहाँ पे हम सीखेंगे रैंड फार्मूला। और कहाँ पे सीखेंगे? गूगल शीट हम चला रहे हैं, गूगल शीट पर हम देखेंगे कि रैंड फार्मूला कैसे हम अप्लाई करते हैं। आपने एक्सेल तो देखा ही होगा, एक्सेल पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक्सेल तो बहुत ही ईजी है। अब गूगल शीट पे कैसे कर सकते हैं? गूगल शीट उससे भी ज़्यादा ईजी है। तो गूगल शीट पे कैसे काम करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ और थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ी सी और इंक्रीज करेंगे साइज को। और यहाँ से डबल क्लिक करके या इसको ड्रैग करके इसकी साइज़ एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको सही कर लेता हूँ। और अब हमें यहाँ पे सीखना है रैंड फार्मूला। अच्छा, रैंड फार्मूला करता क्या है? रैंडमली नंबर्स लेके आ जाता है। रैंडमली नंबर्स लेके आने का क्या मतलब है? जैसे सपोज कीजिए इक्वल टू से कोई भी फार्मूला स्टार्ट होगा, यहाँ लिखा रैंड, ठीक है, और यहाँ पर हमने कुछ दिया नहीं है। देखिए इसका मतलब है कि ये एक के अंदर यानी वन के अंदर के सारे डेसिमल नंबर्स को लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये एक नंबर आ गया है। अब इसको मैं ड्रैग करके अगर इसको इधर की तरफ फैलाता हूँ तो देखिए ये वन से कम वाले सारे डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे वन से कम वाले डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। ये है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं रैंड फार्मूले को, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है रैंड बिटवीन, आइए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं और बहुत ही काम के फॉर्मूले जो मैं अक्सर यूज करता हूँ, और अब तो गूगल शीट पे भी यूज काफी मैं कर रहा हूँ इसको। तो इस पूरे डेटा को इरेज करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर अब हम सीखेंगे रैंड बिटवीन। अच्छा, फायदा क्या है रैंड बिटवीन का? अगर आपको रैंडमली दो नंबर्स के बीच का कोई नंबर चाहिए तो वो बहुत सारे नंबर आप लेके आ सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। तो ये रैंड बिटवीन पे चलते हैं, ये रहा रैंड बिटवीन। और यहाँ पे देखिए आपको सबसे लोवेस्ट वाला नंबर, जो सबसे कम आप चाहते हो वो वाला नंबर आपको देना है। यहाँ पे देखिए नीचे इंस्ट्रक्शंस कुछ आ रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे दो दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 89 दे देते हैं। तो यानी कि 89 और 2 इसके बीच के जो नंबर आएंगे वो इसमें आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 49 आ गया। अब इसको आप पूरा यहाँ से पकड़िए और ड्रैग करके पूरा फैला दीजिए यहाँ तक, ठीक है, फिर इसको नीचे तक लेके जा सकते हैं, जहाँ तक मन करे वहाँ तक लेके आ सकते हैं। और बहुत सारे नंबर रैंडमली आपको मिल जाते हैं इस पर, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सेल में भी हम ऐसे फॉर्मूले लगाते थे तो ये फॉर्मूला बार बार चेंज हो जाता था। जैसे यहाँ पे 76 है, अभी देखिएगा आप यहाँ पे अब 18 आ गया। तो ये चेंज क्यों होता है? चेंज इसलिए होता है क्योंकि ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है और इसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, कॉपी करिए और पेस्ट स्पेशल पे जाइए और पेस्ट स्पेशल पे इसको बना दीजिए वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू आ रहा है पहला ऑप्शन, इसको बना दीजिए वैल्यू बस। अब ये कितना भी आप क्लिक करिएगा बाहर तो ये चेंज नहीं होने वाला है। आई होप कि आपकी बात समझ में आई होगी। आइए अब समझते हैं कि क्लाउड पर हम डेटा कैसे सेव रखेंगे। अब ये हमारे पास रिकॉर्ड है, अब इसको सेव करना है तो यहाँ जाएंगे फाइल में। अब देखिए इसमें कहीं सेव का ऑप्शन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। देखिए ऊपर से नीचे तक कहीं भी सेव का ऑप्शन नहीं दिख रहा। आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, चाहे PDF में डाउनलोड कीजिए, ठीक है, या ODS में डाउनलोड कीजिए, या एक्सेल वाले फॉर्मेट में डाउनलोड कीजिए, ठीक है, या फिर ZIP फाइल बनाइए या HTML फाइल बनाइए, ठीक है, जैसे भी चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं लेकिन सेव का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो क्लाउड पर डेटा सेव रखने का मतलब क्या बना, ये हमको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं शेयर, क्लिक करिए। अब ये देखिए यहाँ पर इसका नाम देना है सेव करने से पहले, मैं यहाँ दे देता हूँ यूज ऑफ फॉर्मूला, यही मैं लिख देता हूँ इस पर। इसको सेव करने के लिए इसको हमें क्लाउड पे सेव करना है, ठीक है, और यहाँ सेव पे क्लिक करते हैं। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको वो ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है,
जिस ईमेल आईडी पे आप इसको शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, वी अंडू हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या देना है, ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए मैं अपना ही दे देता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने gmail.com, ठीक है, तो ये मैंने दे दिया। अब इसको मैं सेंड कर दूंगा अपने ईमेल पे, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो कोई नोट्स भी आप दे सकते थे, अब इसे मैंने शेयर कर दिया। अब जब मैं चाहूँ इसको यहाँ से खोल करके देख सकता हूँ, तो आपने देखा कि ये कितना ईजी है, कितना आसान है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक और ऑप्शन है एक्सप्लोर का, यहाँ पर देखिए एक्सप्लोर का एक ऑप्शन है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो आपने पहले से सेव रखा है डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने बनाया था, ठीक है, रैंड रैंड बिटवीन फार्मूला जो भी हमने लगाया था, उसका एक इस पर आ रहा है, देखिए एनालिसिस आ रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ से एक्सप्लोर भी हम कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से हम साइज बढ़ा सकते हैं, साइज बढ़ा के देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने ये यूज़ किया था। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, और इस पर पूरा ब्रीफ डिस्कशन अगले वीडियो में हम करेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।